PCOD या फिर we can address it as PCOS. I believe आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा. After all, आज के टाइम में it has become one of the biggest nightmares in the lives of women. Can you believe कि हमारे देश में 10 में से 4 महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं? और इसीलिए हर साल 1 सितंबर को PCOD पर अवेयरनेस देने के लिए वर्ल्ड PCOD डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. और आज के इस वीडियो का मेरा भी मकसद यही है कि मैं आपको इस विषय पर जागरूक करूं और साथ ही साथ आज मैं आपसे कुछ बहुत ही इफेक्टिव टिप्स शेयर करना चाहूंगी विच विल एक्चुअली हेल्प यू मैनेज दिस प्रॉब्लम. क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम के शुरुआती चरण में एफर्ट्स ना करके इसे रिवर्स ना करें या मैनेज ना करें तो इट कैन लीड टू डिजीजेस लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, obesity, high cholesterol, which can even lead to heart diseases. Morning. One of the leading causes of infertility could also lead to serious illnesses. Polycystic ovarian disease, महिलाओं में होने वाली समस्या है. Polycystic ovarian syndrome is the topic of our health segment. Well, September is all about raising awareness for the disorder PCOS. September is PCOS Awareness Month. वशिष्ठ एंड आई एम अ डाइटिशियन. आप समझ गए होंगे कि आज हम एक मेजर हेल्थ कंसर्न में बात करने वाले हैं विच इज PCOD या PCOS. सो वेदर यू हैव जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद इट और हैव बीन डीलिंग विद दिस कंडीशन फॉर इयर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दैट कैन हेल्प यू मैनेज एंड रिड्यूस सिम्टम्स. और ये सब पॉसिबल है विद फ्यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड विद अ नेचुरल सपोर्ट सिस्टम. दोस्तों, PCOS या PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. जी हाँ, एग्जैक्टली, बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो इसका मतलब ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है, दैट टू नेचुरली. काफी सारी सेलिब्रिटीज ने भी आगे आकर PCOD के बारे में बात की है, कैसे उन्होंने इसे मैनेज किया है लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, वो उन्होंने कई बार हमसे शेयर किया है. बट हाँ, सोल्यूशन पे पहुंचने से पहले हमें इस डिसऑर्डर को ध्यान से समझना होगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखना होगा, क्योंकि आज हमारे साथ फोर्टिस ला फेमे दिल्ली से डॉक्टर अनीता गुप्ता भी जुड़ने वाली हैं और अपनी नॉलेज हमसे शेयर करने वाली हैं. तो पहले जानते हैं कि PCOD या PCOS के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, यानी किसी महिला को कैसे पता चलेगा कि उसे PCOD की प्रॉब्लम है. वैसे तो इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन अमंग देम आर वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने, फेशियल हेयर, एंड अ वेरी बैड वन इज इनफर्टिलिटी. आई एम श्योर देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन हु कैन रिलेट टू दीज प्रॉब्लम्स. देखिए दोस्तों, वेट गेन, स्किन एंड हेयर इश्यूज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, बट लेडीज, वी शैल नेवर नेगलेक्ट दीज सिम्टम्स, क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ हमारी किसी इंटरनल प्रॉब्लम के कारण हो, विच कुड बी PCOD. अब आप सोच रहे होंगे कि ये PCOD होता क्यों है. वेल, इसका जवाब है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें देयर इज एन अपसर्ज या इंक्रीज ऑफ सम टाइप ऑफ हार्मोन्स. हम सब जानते हैं कि एक वुमेन की बॉडी हार्मोनल साइकिल से रेगुलेटेड होती है. डिसरप्शन ऑफ हार्मोन्स कैन कॉज इम्बैलेंस एंड इररेगुलर पीरियड्स अलोंग विद मूड स्विंग्स, हेयर लॉस, एक्ने, वेट गेन और ना जाने ऐसे ही कितने और इश्यूज. ऑल दिस इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, या इसे PCOD या PCOS का नाम दिया जा सकता है. वेल, इस डिसऑर्डर को अच्छे से समझने के लिए एक बार हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर अनीता उन्हीं से पूछते हैं. शी इज अ वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड वही हमें PCOD साइंटिफिकली इसका क्या मतलब है, क्या ये बीमारी है, अपनी जुबानी हमें बताएंगी. PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. इसमें क्या होता है कि एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द एग स्टार्ट्स फॉर्मिंग, वो फुल्ली फॉर्म नहीं होता, छोटे छोटे सिस्ट के फॉर्म में रह जाता है.
सो पॉलीसिस्टिक वर्ड वहाँ से आया है और ओवरी में एग बनता है इसलिए ओवरी है. सो इट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं अगर ये बहुत एक्सेस में हो जाए और मेटाबॉलिज्म भी हमारा डिस्टर्ब कर दे. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी में बिकॉज एग फॉर्मेशन की प्रोसेस गड़बड़ होती है सो इसमें यूजली साइकिल्स हमारी अफेक्टेड हो जाती हैं. डिलेड साइकिल्स हो सकती है, इरेगुलर साइकिल्स हो सकती है या जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. सो इसमें हॉर्मोनल इम्बैलेंस होता है. दूसरा बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन योर मेटाबॉलिज्म इसमें वेट गेन होने लगता है, हेयर फॉल हो जाता है या फेस पे आपके हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ये कॉमन चीज़ें. देखिए फ्रेंड्स, दो द आइडियल ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी इज नॉट देयर बट स्टिल आप इसको मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं. जानते हैं कैसे? सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एंड बाय फॉलोइंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट अप्रोच जैसे कि हेल्दी डाइट, कुछ विटामिन्स एंड थ्रू अ पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जिसके बारे में मैं और डॉक्टर अनीता गुप्ता हम दोनों आपसे शेयर करेंगे. इसीलिए हमारे साथ बने जरूर रहिएगा फ्रेंड्स. जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने हमें बताया कि पीसीओडी में फॉलिकुलर एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जिसमें सिस्ट या फॉलिकल्स बनते हैं विच कॉजेज मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक इररेगुलर पीरियड्स और एग्स रिलीज ना होना जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होनी. आई एम श्योर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सब तो एब्सोल्युटली हॉर्मोन्स की ही गेम है. अब ये हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट क्यों होते हैं? वेल, इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस या एज फैक्टर या फिर जो लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, उनके अंदर भी हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं. डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी और इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है वो है टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी यानी कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का होना विच मे बी ड्यू टू एनवायरमेंट अराउंड अस. इस हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना. यस लेडीज, एक डिसिप्लिन्ड हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलवेज एंड फॉरएवर वही हरा सकता है पीसीओडी को. आइए जानते हैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को जो पीसीओडी के क्योर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. पहला स्टेप है हेल्दी डाइट. एवरी डॉक्टर, एवरी डाइटिशियन पीसीओडी ही नहीं, हर इश्यू के लिए आपको हेल्दी डाइट लेने के लिए रेकमेंड करते हैं. एंड स्पेशली फॉर पीसीओडी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक हेल्दी एंड प्रॉपर डाइट प्लान क्योंकि इसमें आपको अपने वेट को भी कंट्रोल में रखना होता है. यस, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बहुत सारा वेट गेन होने के चांसेस बने रहते हैं. पर फ्रेंड्स, पीसीओडी के वेट गेन का रीजन आपकी ओवर ईटिंग ही नहीं बल्कि आपकी कुछ फूड क्रेविंग्स भी होती हैं. मूड स्विंग्स, बिंज ईटिंग, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स की क्रेविंग इज वेरी कॉमन इन वुमेन सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. अब इन हंगर पैंग्स और क्रेविंग्स का क्या सोल्यूशन है? Well, you have to be smarter. You have to very carefully pick healthier options. जैसे कि जब स्नैकिंग का मन हो, take handful of peanuts या ड्राई फ्रूट्स. Avoid diet munchies जैसे packed salty नमकीन्स. You can also have green tea to subside your cravings. Switch to real coconut water in place of sugary drinks. You can switch to healthier snacking options like fruits and raw vegetables. और हाँ, most important, add good amount of fiber in your diet. मैंने पहले भी डाइट प्लान पर, स्नैकिंग पर वीडियोस बनाई हैं. आप उन्हें रेफर कर सकते हैं और खुद का अपना डाइट प्लान बना सकते हैं. सो आफ्टर हेल्दी डाइट, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज. दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पर बात करती हूँ. एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर वेट लॉस बट ऑल्सो फॉर एवरी हेल्थ कंसर्न, इवन पीसीओडी where our cells may subject to insulin resistance. जी हाँ, अक्सर पाया जाता है कि पीसीओडी women में insulin resistance की प्रॉब्लम होती है. क्या आप जानती हैं insulin भी एक हार्मोन है और पीसीओडी के कई भयंकर सिम्टम्स इस प्रॉब्लम की वजह से होने वाली insulin resistance के कारण हो रही है. See friends, insulin hormone हमारे शरीर में sugar levels को regulate करता है and converts food into energy so that body fat store ना करे और weight gain ना हो.
लेकिन कई बार बॉडी उसी इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ मेजर रीजन फॉर वेट गेन इन पीसीओडी. बट यहाँ पर एक्सरसाइज कैन चेंज द गेम. एक्सरसाइज हेल्प करता है टू इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी. एक्सरसाइज रेगुलेट्स आवर ब्लड शुगर लेवल्स. इस तरह बाय करेक्टिंग आवर मेटाबॉलिज्म वी कैन कंट्रोल आवर वेट थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज. एंड लेडीज, डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ आई वुड आल्सो रेकमेंड यू अ नेचर सपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी. एंड दैट सपोर्ट सिस्टम इज गामा और इज नॉन न्यूट्रोसिटिकल. गामा और इज़नॉल जो नेचर का एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसके बारे में मैंने अपनी कई वीडियोस में बात की है, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये यूनिक न्यूट्रिएंट पीसीओडी को भी मात दे सकता है. एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन टू डू सो. यकीन नहीं आता? वेल, आपसे एक स्टडी शेयर करती हूँ. ये स्टडी इंडोनेशिया में अनेकों साइंटिस्ट ने कंडक्ट की है, एंड इट इज अ पब्लिश स्टडी एज वेल. इस स्टडी के अनुसार मेजर रीजन फॉर पीसीओडी इज टॉक्सिन्स. सी फ्रेंड्स, एज पर रिसर्च, टॉक्सिन्स हैम्पर करते हैं फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल. इस स्टडी में सबसे टॉक्सिक कंपाउंड के बारे में बात की गई है, जो है ट्रांसग्लूथरिन. और क्या आप जानते हैं ये किस में मौजूद है? मस्किटो रिपेलेंट में. यस, जो आप डेंगू मलेरिया से बचने के लिए बार बार घर में स्प्रे करते हैं, वो हमारे अंदर जाकर हार्मोनल इंबैलेंस और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम अराइज कर सकता है. महिलाओं के रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए सबसे खतरनाक टॉक्सिन है ये ट्रांसग्लूथरिन, विच कंटेन्स एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स. और इस स्टडी में जैसे कि आप देख भी सकते हैं, एंड आई पुट द लिंक ऑफ दिस स्टडी इन डिस्क्रिप्शन एज वेल, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ सब्जेक्ट्स पर जिन्हें 28 दिन के लिए ट्रांसग्लूथरिन दिया गया और साथ साथ गामा रिजॉल्व पाउडर भी खिलाया गया. 28 दिन बाद जब उनके टेस्ट हुए तो फाइनल कंक्लूजन में ये पता चला कि गामा रिजॉल्व ने ट्रांसग्लूथरिन की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज किया और रिड्यूस किए फॉलिकुलर एबनॉर्मेलिटीज. इन दोज एक्सपेरिमेंट फीमेल सब्जेक्ट्स आप देख भी सकते हैं, एंड ऑल दिस हैज हैपेंड ड्यू टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ गामा रिजॉल्व. आप अपने सामने एक चार्ट देख रहे हैं जहां साफ दिख रहा है कि जिन सब्जेक्ट्स ने गामा ओरिजिनॉल लिया, उनको ट्रांसग्लूथरिन जैसे टॉक्सिक कंपाउंड ने इफेक्ट नहीं किया, उनके अंदर फॉलिकल एबनॉर्मेलिटीज नहीं हुई. और दूसरी साइड जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल नहीं लिया, उस ग्रुप को ट्रांसग्लूथरिन ने इम्पैक्ट किया, फॉलिकुलर एबनॉर्मेलिटीज हुई, पीसीओडी हुआ. सब कुछ आपके सामने ही है. आई वुड रिकमेंड कि चाहे आप डॉक्टर हैं या नहीं है, मेडिकल फील्ड से हैं या नहीं है, लेकिन आप इस स्टडी को पूरा जरूर पढ़ें. दोस्तों, मैं खुद गामा रिजॉल्व पर गहरी रिसर्च कर रही हूँ, और मैं हैरान रह गई ये जानकर कि पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या से भी गामा रिजॉल्व महिलाओं का बचाव कर सकता है. मैंने कई डॉक्टर्स से, कई गायनेकोलॉजिस्ट से ये डिस्कस भी किया, और उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे को इंडोर्स किया. बल्कि आज हमारी साथ जो हमारी गेस्ट हैं, डॉक्टर अनीता, 3 दशकों का एक्सपीरियंस रखती हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी इस कुदरत के नायाब तोहफे गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट का पीसीओडी की प्रॉब्लम में क्या खास रोल हो सकता है उसके बारे में विशेष चर्चा की है. सो चलिए सुनते हैं एक बार फिर से डॉक्टर अनीता गुप्ता. आजकल पीसीओडी को एक डिजीज नहीं मानते हैं, जैसे डायबिटीज को हम एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बोलते हैं, ऐसे हम पीसीओडी को एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि पीसीओडी क्यों होता है ये कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, पर ऐसा देखा गया है कि यूजुअली लाइफस्टाइल अगर किसी का डिफेक्टिव है तो उसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, या कुछ लोग कहते हैं शायद जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है इसका. लाइफस्टाइल को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल पीसीओडी बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है, बड़ी यंग गर्ल्स में भी मिल रहा है. लाइफस्टाइल तो हम सबका खराब हो गया है, हम ना टाइम से सोते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना हम ढंग से एक्सरसाइज करते हैं. पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, खाने पीने की चीज़ों में पता नहीं क्या फर्टिलाइजर पड़े, वो क्या हो.
सो स्ट्रेस बहुत है हर चीज का, सब कोई चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, स्ट्रेस, वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, वी डोंट स्लीप वेल, वी डोंट ईट वेल. सो ये हर एज ग्रुप में है. स्कूल जाते हुए बच्चों को अभी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, सो द स्ट्रेस एंड योर लाइफस्टाइल, इसने पीसीओडी को बहुत बहुत कॉमन कर दिया है. सो अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं पीसीओडी की, तो ये लाइफस्टाइल चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. दवाई तो हम लोग देते हैं, दवाई सपोर्टिव है, खाली दवाई देने से नहीं ट्रीटमेंट होगा. पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें. लाइफस्टाइल में क्या करें, हम टाइम से सोएं, प्रॉपर नींद लें, एक हम एक्सरसाइज रिजीम बनाएं. एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग करें, हफ्ते में 3-4 बार तो करें, और खाना पीना बहुत ध्यान से खाएं. प्लस ऐसा देखा गया है कि पीसीओडी में कुछ विटामिन और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन डी, फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, तो वो टेस्ट करके पता लग जाता है कितनी कमी है. तो वो इसके अलावा आजकल जो एक इम्पॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से ऐसा देखा गया है कि बॉडी में इम्यूनिटी बेटर होती है, तो हर चीज़ में रिकवरी बेटर होती है. इस तरह का ही एक है चीज़, उसको कहते हैं गामा ओरिजिनॉल, विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, और इसका यूज़ हार्ट पेशेंट और डायबिटीज़ में ऑलरेडी हो रहा है. इसका यूज़ पीसीओडी में भी देखा गया है कि है, क्योंकि पीसीओडी में भी कई बार थोड़ा डायबिटीज टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो ये इट हेल्प्स. दूसरा, ये जो खराब चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है. सो गामा ओरिजिनॉल को हमारी FSSAI ने भी एज अ प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव कर दिया है, इसलिए आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स का काफ़ी अच्छा रोल माना जा रहा है सब तरह की बीमारियों में, इंक्लूडिंग पीसीओडी. तो पीसीओडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, घबराइए नहीं, करेक्ट हो जाएगा अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक रहा. See ladies, I know this journey to cure PCOD or PCOS is not going to be simple. But mind that there is nothing impossible too. Together we can cure it. और अब तो हमारे पास nature का एक amazing support system gamma ओरिजिनॉल भी मौजूद है. In nutshell, एक बार फिर कहूंगी कि एक healthy diet, healthy lifestyle, exercise, गुड न्यूट्रिशन, कुछ विटामिन्स और गामा ओरिजिनॉल जैसा एंटीऑक्सीडेंट, ये सब अपनाना हर महिला के लिए फायदेमंद होगा, ताकि पीसीओडी की समस्या आए ही ना. देखिए लेडीज, पीसीओडी होने के कारणों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना न्यूट्रिशन और गामा ओरिजिनॉल डेली, ये तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं ना. सो लेट्स वर्क ऑन इट टूगेदर. अगर आपको आज की जानकारी इम्पोर्टेंट लगी तो हर महिला तक इसे जरूर पहुंचाएं.